हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था इस पर, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। आखिर पढ़ाई तो हर स्टूडेंट कर रहा है, पर कितना स्कोर करेगा कि वो उसका पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, तो चलिए बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, और मैं एक बोनस पॉइंट्स भी दूंगा, बोनस टिप्स भी दूंगा कि अगर आपका स्कोर कम आ रहा है इससे, तो स्कोर को कैसे बूस्ट करना है, कैसे बढ़ाना है, आपका सिलेक्शन इस वर्ष ही कैसे हो सकता है, तो बोनस टिप्स के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैरामेडिकल कट ऑफ 2022। आखिर 2022 में कट ऑफ कितना तक जाएगा, आखिर आप कितना स्कोर करेंगे कि आपका पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। यहां पे कैटेगरी दिया हुआ है, यहां पे स्कोर दिया हुआ है इतना स्कोर, क्वालिफाइंग स्कोर, यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है, क्वालिफाइंग परसेंटेज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लोगों को 295 नंबर यानी कम से कम 65% स्कोर करना होगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा, कुछ इसमें भी बोनस टिप्स हम देंगे आपको। ओबीसी वालों को, जो ओबीसी से आते हैं, उनको 250 यानी 55% मार्क करना होगा। एससी से जो आते हैं उनको 225 मार्क्स करना होगा, मतलब 50% स्कोर करना होगा, 100 में 50%, ठीक है, मतलब 450 मार्क्स का आपका होता है ना जी। और नंबर इधर हो गया और ये परसेंटेज हो गया, 100% में आपको कितना कितना लाना है, और इधर नंबर हो गया उसी का। चलिए एसटी की बात करें तो एसटी वाले को 205 लाना है, 45%। बात करते हैं आरसीजी का, मतलब होता है रिजर्वेशन कैटेगरी गर्ल्स, मतलब जो भी लड़कियां हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, जैसे में ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी रिजर्वेशन लिए हुए हैं लड़की लोग, सब रिजर्वेशन लिए हुए हमको पता है, तो उन लोगों को ज्यादा नहीं लाना है, 40% भी स्कोर कर लेते हैं जो कि रिजर्वेशन लाए हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, और अभी कुछ और बताएंगे, धैर्य धैर्य। चलिए पीएच समझ गया, टूटल फुटल वाला जनरल कैटेगरी में है तो उसको 45% लाना होगा, अगर उसका कुछ टूट पीएच वाला है जिसका टूटा फूटा कुछ है, विकलांग है, समझ गया ना सीधा, 190 मार्क्स। अब बात करते हैं रिजर्वेशन वाला विकलांग, उसको कम से कम 40% स्कोर करना होगा, मतलब ये सब के तो मौज है यार, गजब है। जनरल वाला का प्राण ले लेगा, है ना, नहीं लेगा, आप लोगों का प्राण नहीं लेगा, इसलिए तो बोलते हैं कि किसी भी चीज को अंत तक देखना चाहिए, समझिए। यहाँ पर आरसीजी का मतलब होता है रिजर्वेशन कैटेगरी गर्ल्स, इन लोगों को 40% लाएगा तो सबके सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, जो भी लड़की लोग है, कम से कम आप 50% स्कोर करिए, 50 से 55% स्कोर आपको करना है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी रखिए, गारंटेड। अब जो जनरल कैटेगरी की लड़कियां हैं उनको 55 से 60 के अंदर में स्कोर कर लेना है, 55 से 60, ठीक है, बाकी 50% भी आप स्कोर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। लड़कियों की बात कर रहे हैं, बाकी हमारा जो लड़का लोग है उसके लिए यही है, आपको इससे कम नहीं चलेगा। बाकी लड़की लोग 50% कोई भी कैटेगरी की हो अगर लाते हैं 45-50% तो हो जाता है सिलेक्शन, जबकि लड़का लोगों को थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा, ठीक है, उनको जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ही लाना होगा नंबर, तो बात कर सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी की लड़की है जिनको आरक्षण नहीं मिला, उनको तो 60% लाना ही होगा किसी तरह, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा सा मिटार कर मैं बोनस टिप्स आपको कुछ देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए 40-45, 40-45-50, 55-65। अब यहां से एक चीज तो कॉमन है भाई, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, हम बताते हैं बोनस, सबका सिलेक्शन करवा दूंगा भाई, टेंशन मत लो, सिलेक्शन बैच को जुड़ जाओ, जो नहीं जुड़े हो अभी धमाका चल रहा है सिलेक्शन बैच में, सिलेक्शन बैच को जुड़ जाइए, जिनको लग रहा है कितना स्कोर नहीं होगा, इससे कम स्कोर आ रहा है, और इसके लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं 90 प्रश्न का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें अगर आपका 50 या 60% से कम स्कोर आ रहा है तो जल्दी से सिलेक्शन बैच से जुड़िए, जल्दी से, देरी मत करिए, जितना जल्दी हो सकता है हमारा सिलेक्शन बैच से जुड़िए, 99 रुपया में जुड़ जाइए, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, आपका स्कोर बूस्ट कर देंगे, बूस्ट मतलब बढ़ा देंगे, इसकी 100% गारंटी हम लेते हैं, इसलिए जल्दी से आप हमारे सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा आपको, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं कि बोनस टिप्स क्या है, देखिए बोनस क्या दे रहे हैं आपको, जो सुनिए, सबसे पहले अगर आपका अभी आप
अगर टेस्ट सीरीज हमारा दिए होंगे जो कि बिल्कुल फ्री होता है व्हाट्सएप पर, तो वहां पर अगर आप 50% स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है, आप सेफ हैं, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करिए, बढ़िया से रिवीजन चलाते रहिए, मार्कर खत्म, रिवीजन करते रहिए, ठीक है बाबू, बढ़िया से रिवीजन करिए, जो भी मैराथन चलता है हमारे द्वारा करिए, क्लास करिए। आपको सिलेक्शन बैच जुड़ने का कोई जरूरत नहीं है, अगर 50-55 स्कोर कर रहे हैं तो, इससे अगर कम है 40-45 स्कोर है तो फिर आप जल्दी से हमारा सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जिनका स्कोर अच्छा हो रहा है 50-60 हो रहा है तो मत ज्वाइन करो भाई, कचड़ा हो जाएगा, है ना, भीड़ मत लगाओ। चलिए ज्वाइन वही करो जिनका स्कोर सही नहीं आए, वही सिलेक्शन बैच से जुड़ो। अब बात करते हैं कि कितना स्कोर लाने पर पैरामेडिकल मिल जाएगा लड़कियों को, विशेष करके, मार्कर कहां गया भाई वो वाला। देखो लड़कियों की बात करें तो जो मतलब जिनको आरक्षण मिलल है, आरक्षण वाला है ना, आरक्षण वाला 50-55% स्कोर करिए सिलेक्शन। जिनको आरक्षण नहीं है, लड़की लोग आरक्षण नहीं है बेचारी के, बड़ी दुख से कहे पड़ता है, उनको 60% स्कोर करना होगा, ठीक है। बाकी बॉयज की बात करें तो बॉयज का मैंने बता दिया है, ठीक है, बॉयज 55% 60% स्कोर करिए, कोई माई के लाल फायदा नहीं है कि कट ऑफ को डाउन कर सकता है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इतना करिए सिलेक्शन होगा आपका। जरूरी नहीं है 60 नहीं, 55 में भी हो सकता है, पर आप कोशिश करिए कि हम 60 तक पहुंचे, एक टारगेटिंग रख के चलिए कि मुझे 60 लाना है, जरूरत नहीं मैं 45 पर हो जाएगा जनी, तो इतना फिक्स है, इससे कम में काम नहीं होगा, कहते ना इससे कम में शादीवादी नहीं होगा, इतना तिलक लेंगे तो अपना, समझ गया ना, जी जी, तो उतना होगा, क्या कि लड़का भी बड़ा, समझ गया ना, लड़का कुछी है, समझ गया होगा, ठीक है, तो उतना तो लेवे करेगा तिलक, उसी प्रकार से इतना तो लगेगा कम से कम, बाकी अब कितना लेगा तो वक्त बताएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इतना कटअप आपको करना है, अगर इतना स्कोर आप करते हैं, सभी लड़की लोग सुन लो ध्यान से, 50-55% स्कोर करना है, 50% कितना होता है 450 का, चलिए बताते हैं, 450 का 225, ठीक है, 225 स्कोर आपको करना है, और इससे 10% और 5% और बढ़ा लो 10%, तो फिर कितना स्कोर करना है जोड़ लेना, तुम लोग मैथ तेज है शुरू से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हुआ होगा, ठीक है, बाय।